हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो एक DIY वीडियो है जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि एक टिश्यू होल्डर हम 5 से 10 मिनट में आसानी से घर पे कैसे बना सकते हैं। ये ग्लिटरी शिमरी सा टिश्यू पेपर आपके घर के किसी भी कॉर्नर को ब्यूटिफाई करेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो टिश्यू पेपर होल्डर बनाने के लिए आपको एक ग्लिटरी फोम शीट चाहिए। आप चाहे तो कोई भी कलर ले सकते हैं। ग्लू गन चाहिए, कोई भी वे सीडी चाहिए, फेविकॉल चाहिए और कोई भी पुराना सा कार्डबोर्ड का पीस चलेगा और एक सीजर चाहिए। तो सबसे पहले हम सीडी को 2 हाफ पोर्शन में काट लेंगे। आप चाहे तो पेंसिल से इसकी मार्किंग कर सकते हैं और फिर इसको काट सकते हैं। सीडी काटना इतना भी आसान नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल का सामना हो सकता है, बट कोई बात नहीं। आप ये मेक श्योर कीजिएगा कि जो भी सीजर आप यूज करें वो काफी शार्प हो, तो सीडी आसानी से कट जाएगी। सीडी 2 इक्वल पार्ट्स में कट चुकी है, अब चलिए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो अब हम ले लेंगे ग्लिटरी फोम शीट और इसको हम सीडी के हिसाब से, हाफ पोर्शन के हिसाब से मार्किंग कर लेंगे और फिर इसको सीजर से काट लेंगे। तो ये देखिए, मैंने सीडी के अकॉर्डिंग फोम शीट काट ली है। अब मैं फेविकॉल की हेल्प से इस फोम शीट को इस पर पेस्ट करूंगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह की इजी DIY वीडियोस मैं बनाती रहती हूँ और मेरे को जो आइडियाज आते हैं मैं शेयर करती हूँ। तो प्लीज डू सब्सक्राइब और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये टिश्यू पेपर होल्डर कैसा लगा। सो इस तरह की लुक आएगी। मैं अंदर के पोर्शन पे फोम शीट नहीं लगा रही क्योंकि एनीवेज ये छुप जाएगा। आप चाहे तो दोनों तरफ उस पे लगा सकते हैं। अब हम कार्डबोर्ड लेंगे और सीडी के लेंथ के हिसाब से इसको काट लेंगे। कार्डबोर्ड की विड्थ आप उसी हिसाब से रखिए जिस हिसाब से आपने टिश्यू पेपर्स इसके अंदर रखने हैं। तो ये मेरा पीस कट चुका है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है इसको पेस्ट करना। तो मैंने ग्लू गन अच्छे से गर्म कर लिया है, 5 मिनट रख दिया था इसको। ग्लू अच्छे से पिघल चुकी है, अब मैं इसके कॉर्नर्स पे ग्लू लगाऊंगी और ग्लू लगते साथ ही मैं जो सीडी के पीसेस हैं जिस पे मैंने ग्लिटर लगाया है, ग्लिटर फोम शीट लगाया है, उसको मैं पेस्ट कर दूंगी। सो इस तरह से अच्छी तरह इसको हार्ड प्रेस करिएगा और दूसरी तरफ भी मैं सेम स्टेप रिपीट करूंगी। तो देखिए कितनी आसानी से 5 मिनट में हमारा टिश्यू पेपर होल्डर बनके रेडी हो चुका है। अब मैं इसके अंदर टिश्यू डाल दूंगी। मैंने ये 2 बनाए हैं, एक में मैं टिश्यूज रखूंगी और दूसरे में मैं कोस्टर्स रखूंगी। सो देखिए 5 मिनट में टिश्यू होल्डर हमारा रेडी। आई होप आपको अच्छा लगा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। बाय बाय।